हेलो तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करूँगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नंबर वन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पे ए बी सी, तो ये हो जाता है ए डॉट सी और फिर वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी और ये वेक्टर सी। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देख लिया है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर जब हमने इसको डिफाइन किया था तो आपको ये पता चल गया था कि इसको इस प्रकार से कैसे लिखा जाता है। मैंने पैटर्न बता दिया था कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उससे दूर जो वेक्टर है और फिर ये बीच वाला वेक्टर माइनस ये जो ऑर्डर है ना वो इसी मेंटेन किया हुआ है ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है साहब, तो अब ये क्या हो जाता है कि प्रॉपर्टीज नंबर वन में आ जाता हूँ मैं। प्रॉपर्टी वन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो बात समझ में आ गई। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए, मतलब ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। वो कैसे परपेंडिकुलर है वो अभी हम प्रूफ करेंगे। मतलब ये कैसा होगा कि अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैंने लेना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट अगर मैंने लेना है तो फिर ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और तीसरा चीज को और देखते हैं कि आपका ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जिसमें बी क्रॉस सी में ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ में आर कोप्लेनर है, मतलब ये जो वेक्टर आने वाला है ये कोप्लेनर होगा वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ में। अच्छा, कोप्लेनर होगा इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, करेक्ट है क्या? हाँ जी, तो कोप्लेनर होगा मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, करेक्ट है, फाइन, ओके। और चौथा चीज को हम देखते हैं, चौथी प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये अगर इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी ये नॉर्मली इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये नॉर्मली इक्वल नहीं होता। सिंपल सा रीजन है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के वो कमोटेटिव नहीं होते, ये आपको मालूम है। तो यहाँ वही चीज को यूज किया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये नॉर्मली या जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल है तो किस कंडीशन में इक्वल होगा, ये एक प्रॉपर्टी बनती है कि ये इक्वल होगा इफ ए इज कोलिनियर वेक्टर ए इज कोलिनियर विद वेक्टर सी, ये इसके साथ में कोलिनियर होगा वेक्टर सी के साथ में ए, तब जाके ये दोनों ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, ठीक है, ये ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग जानते ही है, तो मैं क्या करता ना इनको आपको प्रूव करके एक्सप्लेन करता। अभी आपको प्रॉपर्टी मैंने साइट कर दी है, अब हम प्रूफ करते। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी को देखते हैं। अभी मैं देखता फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके, कैसे वेक्टर क्वांटिटी आती है। सिंपल सा रीजन हो गया है कि ये एक वेक्टर है, ठीक, ये वेक्टर आने वाला है, फिर ये वेक्टर है, अगर इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वापस से वेक्टर आएगा, करेक्ट है क्या? ठीक है साहब, इधर से हो गया। चलो इधर से भी देख लेते, ये एक स्केलर है, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये एक स्केलर है, ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, और वेक्टर को वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से वेक्टर आ जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, करेक्ट, फाइन, ठीक है साहब। अब आप बताते दूसरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज में मैंने बोला था कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये ऑर्थोगोनल होगा वेक्टर ए के ऊपर, जो फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो वेक्टर आने वाला है ये ऑर्थोगोनल होगा वेक्टर ए के ऊपर, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, इनके डॉट प्रोडक्ट ये
इक्वल टू जीरो होना है, करेक्ट है। चलो इसको डिफाइन करके फिर इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो ये हो जाएगा ए डॉट, एक्चुअली में ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो फॉर्मूला है ए डॉट सी, अब आपको मालूम ही हो गया होगा बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये फार्मूला आपको हमेशा याद ही रहना चाहिए और रिमाइंड करने का तरीका भी मैंने बताया था कि ए का डॉट उससे दूर वाले वेक्टर का और फिर मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो बी के साथ में बीच वाले से, और फिर यहाँ पे वो ऑर्डर को हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। कर अब आते हैं डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते। ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें अलजेब्रा भी आपकी अच्छी क्लियर हो जाएगी। ये एक स्केलर है और ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर का इससे होगा। स्केलर तो कहीं पे भी रख सकते हैं, स्केलर इस वेक्टर बी के साथ में मल्टीप्लाइड भी हो सकता है, ये वाला स्केलर यहाँ पे भी दे सकते हैं, या फिर ए डॉट बी जो होगा ना उसमें भी वो स्केलर मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो फाइनली इस पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ए डॉट सी स्केलर है बाहर आ गया और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ए डॉट बी के साथ में, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि अब ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, करेक्ट है। तो वहाँ डॉट ही लगाएंगे जो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में आता है, करेक्ट, फाइन। ए डॉट सी ए डॉट बी ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये ए डॉट बी स्केलर बाहर आ जाएगा और फिर ए का डॉट लेंगे सी के साथ में, यहाँ दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, सिंपली मल्टीप्लीकेशन बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटीज है। और अब आप देखेंगे कि ये भी ए डॉट सी ए डॉट बी है और ये भी ए डॉट सी ए डॉट बी है, तो डेफिनेटली ये आ गया जीरो, करेक्ट। तो इसलिए जो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर आने वाला है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के ऊपर, करेक्ट, ठीक है साहब। ये दूसरी प्रॉपर्टी आपने प्रूफ कर दी, अब तीसरी प्रॉपर्टी को भी तो चेकआउट कर लेते। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो आपका ऑर्थोगोनल टू ऑर्थोगोनल कोप्लेनर विद कोप्लेनर कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये होता है। अच्छा, कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इसका मतलब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, चलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है साहब, और ये बी और ये सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या जीरो आता है? अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा तब तो हम बोलेंगे कि ये कोप्लेनर है, करेक्ट कि नहीं। फिर से अब आप इसको डिफाइन कर लेते हैं, तो जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ए डॉट सी और फिर बी माइनस ए डॉट बी और फिर इंटू सी, ये हो गया और ये बी और ये सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लगा रहे, दैट इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, और इसको जीरो दिखाना है, ठीक है सर। अब ये डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट में आ गए, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो कंस्टिट्यूट करेगा, ये डिटर्मिनेंट का सेकंड रो कंस्टिट्यूट करेगा और वैसे ही वो थर्ड रो को कंस्टिट्यूट करेगा, करेक्ट है क्या, ठीक है। अब आप इसमें इस पहले वाले रो में डिटर्मिनेंट के जो ईच टर्म है वो एक्चुअली में सम ऑफ टू टर्म्स है, डिफरेंस या सम जो भी आप बोल सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो फिर यहाँ से ये एक डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में ए डॉट सी और बी, फिर ये आ जाएगा बी और ये सी, और फिर प्लस प्लस करेंगे या फिर माइनस कर दो कोई इशू नहीं है क्योंकि तो यहाँ माइनस है, ठीक है। तो ये फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी और फिर ये सी और फिर ये बी और ये सी, करेक्ट। मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज की है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, करेक्ट है कि नहीं, फाइन, ओके। अब आप देखिए कि ये जो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो दोनों प्रोपोर्शनल है। अब जब डिटर्मिनेंट के कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं या फिर प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये तो जीरो हो गया, ठीक, ये जीरो हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी ये जो स्केलर है और फिर ये सी, मतलब जब आप डिटर्मिनेंट में जाएंगे तो इसके इस पूरे वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो फर्स्ट रो को कंस्टिट्यूट करेंगे और ये थर्ड रो को, और यहाँ फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, तो फिर से ये जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो। तो अब आपने देखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये जो वेक्टर आता है वो एक्चुअली कोप्लेनर होता है इस वेक्टर बी और सी के, जो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो बस ये बात प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने बोला था कि अगर ये चीज होगी कि यार
कि अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, ठीक है। यहाँ ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे मैंने इसमें प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें क्या प्रॉपर्टी बताई कि ये एक वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल टू वेक्टर सी है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वाली प्रॉपर्टीज में, ये एक वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल टू सी वेक्टर हो जाएगा, गॉट द पॉइंट। हाँ, यहाँ मैंने क्या बोला था कि ये जो वेक्टर आने वाला है वो बी और सी के साथ में कोप्लेनर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो वेक्टर आने वाला है वो बी और ए के साथ में कोप्लेनर हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ फाइन, अब आते हैं यहाँ पे, इसको डिफाइन आपने ऐसे किया ए डॉट सी, फिर वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी और फिर वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा साहब, इक्वल टू, इसको डिफाइन करने का भी तरीका मैंने अभी बता दिया आपको लास्ट, अगर वीडियो देख के आ गए तो, या फिर इसी के रूल्स के हिसाब से, तो सी दूर के वेक्टर के साथ में क्या होगा, बीच का वेक्टर माइनस ये ऑर्डर मेंटेन होगा, लेकिन इस बार ऑर्डर इस डायरेक्शन में चल रहा है, दैट इज सी डॉट बी और फिर बाद में वेक्टर ए, करेक्ट, ये हो गया। अब आप देखेंगे ये ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी, क्योंकि सी डॉट ए और ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट है, कमोडिटी होता है, करेक्ट, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस माइनस भी कट जाएंगे, या पहले ऐसे लिख लो माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी इक्वल टू सी डॉट बी वेक्टर ए, या माइनस को हटा दिया, ये माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस माइनस हटा दिया, तो ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू सी डॉट बी इंटू ए। अब आप देखेंगे सी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या ए वेक्टर को भी वैसे लिख सकता था, कैसे, कि सी डॉट बी जो कि स्केलर है ना, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई ए डॉट बी जो कि स्केलर है, और इस पूरे स्केलर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं वेक्टर ए को, करेक्ट। ये देखिए, ये देखिए, तो ये समथिंग लाइक ऐसा आ गया, दैट इज समथिंग लाइक सी इक्वल टू लैम्बडा ए, करेक्ट है कि नहीं, सी इक्वल टू लैम्बडा ए क्या कंडीशन है, ये तो तभी पॉसिबल होता है ना जब ये वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर वेक्टर्स होते, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर, एनी वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, तो ए एंड सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, आई क्या बात समझ में, तो ये इन जनरल इक्वल नहीं होते, इन जनरल इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर इक्वल कब होंगे, जब ए और सी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, मतलब देखो ये ए बाहर है इस ब्रैकेट के, यहाँ सी बाहर है इस ब्रैकेट के, और ए और सी अगर कोलिनियर है तब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल वेक्टर्स होंगे, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स हमने ये प्रॉपर्टीज को देख लिए, ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी जो मैं आपको इसके बाद में एक उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है।